मेरे साथ शो भी है उसामा है, शो भी है घर था वहाँ पे कोई नानी वानी का, तो हम लोग वहाँ रहेंगे। सच क्यों उतार रहा भाई, सच क्यों उतार रहा, देख रहे हैं दोस्ती में कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज सीन ये है कि हम कराची से सक्कर जा रहे हैं, लांडी स्टेशन हमें जाना है और हमने कराई है सुजुकी चैम्बर। सही, आप सीन्स देखें कैसे सुजुकी चैम्बर में आ रहे हैं। आपके भाई को उन्होंने बैठा दिया आगे, हम लोग जा रहे हैं अभी स्टेशन। स्टेशन पे आके आपको दिखाते हैं क्या सीन है। और ट्रेन हमारी है 11 बजे की, अभी हो रहे 10:30। आधे घंटे में अगर हम पहुँच गए तो सही है, वरना हमारी ट्रेन जो है निकल जाएगी, दूसरे टिकट करवाने पड़ेंगे। स्टेशन जो आ चुके हैं, बैग वगैरह मैंने उठा लिया। फिर कैसे जा? दो बंदे ट्रेन के, तू और मैं, हम और ये और मैं ट्रेन के अंदर जाएंगे। हाँ। और हमारी जो बर्थ है उसकी सामने वाली सीट पे खिड़कियाँ बनी होंगी। चलो शोभी, तुमने मुझे बोला था 11 बजे ट्रेन आएगी और 11:30 हो रहे हैं, क्या सीन है? एकदम मैं सक्खर के लिए जा था, सुबह ट्रेन आई थी रात। बुरा लगता है भाई, देख रहे हैं आप, इसने मुझे बोला था 11 बजे ट्रेन जाएगी और अभी 11:00 हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। खाना तो ये लोग ऐसे बना के लाए जैसे 3 दिन तक ट्रेन भी रहना। भाई ट्रेन को जो है वो 11 बजे आना था, अभी 11:30 हो रहे, अब देखते हैं ट्रेन कब आएगी। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है ना वो शाह फैसल में फंसी हुई है, शायद यह बिरयानी खा रही होगी। और अभी हम लोग खड़े हैं लांडी स्टेशन पर, देखिए आप शोभी की टेक्निक थी, एक ट्रेन आ चुकी है पीछे, ये शोभी है और ये मेरे साथ खड़ा हुआ है उसामा। नाज़रीन और ख़वातीन, अभी मैं लेके जा रहा हूँ उसामा को क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैंने नाश्ता किया हुआ और हमारी ट्रेन जो है बहुत लेट हो चुकी है। यहाँ पे कोई हादसा पेश आया, कोई औरत जो है वो ट्रेन के नीचे आ चुकी है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, हम लोगों ने लिया पकड़ पकड़। हम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको हर चीज़ महंगी मिलती है। 2000 years later कुछ भी नहीं, वेल डन। बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद ट्रेन जो है हमारी आ चुकी है, रास्ते में मतलब पीछे से अभी वो टन टन हुआ है। वही क्या कहना चाहेंगे आप आज के बारे में? लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, वो टाइट वाला अल्लाह ही कसम, ऐसी गालियाँ दी तेरे भाई ने सबको भी, लाश लाशों की तरह पड़े हुए थे सारे। हाँ तो भाई रात में मैं सो गया था और अभी मेरी आँख खुली तो सुबह हो गई। तो सीन्स देखे आप बाहर के, तो नाज़रीन और ख़वातीन ये शख्स पूरी रात सोया है गौर से देखें इसको, और ये हमारी हिफाजत कर रहा था रात में। तो अभी हम लोग जो है सक्कर से बहुत करीब हैं। कहाँ पर है अभी हम लोग? हम लोग नवाबशाह पहुँचने वाले हैं, अभी हम लोग नवाबशाह पहुंचने वाले हैं और अभी हम कुछ नाश्ता वगैरह का सीन रखेंगे। क्या टूट गया? ट्रेन मुड़ रही थी, ट्रेन मुड़ रही थी। यहाँ पे सारे लाल ईंटों वाले घर बने हैं, तो अभी कौन सी जगह चाय बता रहे हैं? चाय यहाँ पे आपको एक भी बड़ा होटल नहीं दिखाई। भाई हम तो है मेहरापुर की तरफ पहुंच गए थे, 2 स्टेशन बाद हमारी मंजिल आ जाएगी जो कि सक्कर स्टेशन है। और अभी जो है गेट पे ही खड़े हुए, फिर जब पहुंचते तो आपको बता देते हैं कि कहां तक पहुंचे। हवा चल गया, हम जा रहे हैं अंदर। वो आया भाई, अभी जो है मेहरापुर गुजरा था जिसको उबैद भाई ने वीडियो बनाई थी, अब उसके बाद आएगा रानीपुर, फिर उसके बाद आया गब्बट, फिर उसके बाद आएगा खैरपुर, खैरपुर के बाद रोड़ी, रोड़ी के बाद रिटर्न, फिर रिटर्न के बाद सक्कर। उसामा और मेरा था पहली बार ट्रेन में सफ़र, हम लोग जहाज़ में जाते थे कहीं भी जाते थे तो, लेकिन हम पहली बार आए ट्रेन में और ट्रेन का सफ़र हमारा इतना बुरा गुजरा है कि हर जगह दर्द हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल जैसी फीलिंग आ रही है, तब समझ लें आप। उन्होंने इतनी घटिया ट्रेन कर रही है कसम से, अभी इनको मैं वापसी में बिज़नेस क्लास में लेकर आऊँगा। क्लास ही थी, ट्रेन अच्छी थी, दरअसल मसला ये हो गया कि
जिसके अंदर लोकल ट्रेन के डब्बे भी लगे हैं और हमें वो मिल गए। और सरकार जी हम लोग पहुँच गए, इसके बाद हम लोग कहाँ रानीपुर पहुँच रहे हैं। हाँ, इसके बाद रानीपुर। और इन लोगों ने सस्ते चश्मे लगाए, लेकिन फिर मैंने अपना निकाला है महंगा वाला 2000 वाला चश्मा, दुबई से एक्सपोर्ट कर रहा था मैंने। ये देखे ना कितनी पैकिंग में इसको मैंने रखा हुआ है, फुल डाटा पहनते हैं ये काले वाले जो वो होते हैं ना सीधी अफ्रीकन वो पहनते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं रानीपुर, रानीपुर से आगे हम लोग जा रहे हैं कौन सा, लेकिन रानी का कोई पता नहीं, रानी इधर कोई है नहीं, खाली नाम है रानीपुर। बाहर चल रहे फुल गाँव गाँव वाला सीन है। और ये सामने ट्रेन जाती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है, अब आप देखें। पटरियाँ चेंज हो गई भाई, उसकी अलग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है ना हर स्टेशन पे एक ही वीडियो बनाएं, ताकि पता चले हम जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे और क्या अपडेट है, हर चीज़ की अपडेट ले रहे हैं। 5-5, 3-3 मिनट ट्रेन रुकती है हर स्टेशन पे, तो 3-3 मिनट की 15-15 सेकंड की वीडियो बन जाती है, मज़ा आता है उसको अपने बताते हैं। वैसे गेट पे खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ होता है गेट पे खड़ा होना ममनू है, कोई भी हादसा की सूरत पे ट्रेन की रेल पे जिम्मेदार ही होगी। लेकिन वो बात हो गई जहाँ लिखा हुआ होता है पेशाब करना मना है, आवाम तो वहीं करेगी ना। ये बॉय मुझे लग रहा है बर्फ पड़ी है, वाइट वाइट होगा। ये बर्फ नहीं पड़ी, ये पानी के अंदर नमक याद होती है जमीन के अंदर, जब फसल उगती है ना, जब फसल कटती है तो उस पर नमक बाहर आ जाता है, नमक याद होती है। नमक ये नमकियात होती है, उससे सफ़ेद हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता, अबे मैंने कमर्शियल ज्योग्राफिया में पढ़ा है, मैंने एक कॉमर्स ली थी ना यार, उसमें मैंने पढ़ा था ये सफ़ेद। तो नाज़रीन और ख़वातीन हम लोग पहुँच चुके हैं खैरपुर में, और बस एक दो स्टेशन बाद हमारा जो है सकर आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे सोएंगे, क्योंकि रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसामा अभी भी सो रहे थे कि जिंदा लाश, ठीक है जिंदा लाश बना है, होते हैं कोने कांचों में जो टोकन बैठे हुए होते हैं सर पे वो डाल के और पी रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा है अभी ये। रोडी स्टेशन में हम लोग आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह सारा वही करेंगे, और ये अकेले अकेले मैकरोनी खा रहा है अभी, मैं लेके ऐसा छीन के खाता हूँ। अच्छा जी, आपको जो सामने खजूर के खेत दिख रहे हैं, ये जो है सिंध का सबसे बड़ा खजूर का खेत है, और सारा खजूर यहीं का है, देख रहे हैं पीछे तक, और दूसरी साइड पे वही है, बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक जा रहा है, काफ़ी पहले से आ रहा था, मैंने पहले पूरी उसकी स्टोरी सुनी है, उसके बाद बनाना शुरू किया। ऐसा लग रहा है टीवी लगा हुआ, एलसीडी लगी हुई है, कितना एचडी है। देखिए आपने ट्रेन में आवाज़ें सुनी होंगी कुछ, तो हम लोग फौरन जो है ना कॉपी कर लेते हैं, आप देखें आप चेक करें। ऊपर बैठने का चस्का ही अलग है, नीचे खूबसूरत मंजर और ऊपर सो रहे हो। घर में नहीं सोए होंगे इतने ऊपर, यहाँ पे के देखो मम्मी में ऊपर लेटा हुआ था। देखे मैं कुछ भी नहीं। तो नाज़रीन और ख़वातीन अभी आप बाहर का व्यू देखें, आपको पता है आपका भाई जा रहा है सक्कर, और नीचे आप देख रहे काम चल रहा है पटरियों पे, दिखाएं काम बजा दी हमने उसके सिंधी की, और नीचे काले कोलो की वो चल रही है, उनमें फिल्म बनाई गई थी इधर,
इधर जो बनी थी गुंडे फिल्म बनी थी, अगर आपने देखी तो जाके यूट्यूब पे देखें, उसका प्रोड्यूसर मैं नहीं था, कोई और था। पूरी कोयले की खान है असल में इधर। अगर आपको पानी नहीं पीना तो आप उतर के सकते हैं, बहुत स्लो चल रही है, गिलास पानी पी और भागते हुए ट्रेन में चढ़ गया। कोई कोई हाँ भाई तबीयत कैसी है आपकी, जियो न्यूज़ पे आएंगे आप आधी रात। वो जो आपको सामने दिख रही है चीज़, ये जो है पटरियाँ चेंज करते हैं, इससे होती है पटरी चेंज। कहीं भी यहाँ से आपको वहाँ जो हो देंगे, वहाँ से इतने में लांडी औरंगी मंदिर कहीं भी जाते हैं। ये देखिए ये दूसरी पे आ गई है, और अभी देख रहे हैं आप टेढ़ी मेढ़ी सीक्वेंस चल रही है, कोई पता नहीं कहाँ है हम लोग। हमारी पटरी जो है हमारे साथ मजाक कर रही है, चेंज हो जा रही है बाबा, चेंज हो। बुरा लगता है भाई आप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉल वगैरह लगी हुई है, और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी रोड़ी स्टेशन। रोड़ी है ना रोड़ी अभी हम पहुँच चुके हैं रोड़ी स्टेशन, पहुँच चुके हैं हम। अभी वो ट्रेन का इंजन चेंज और वापसी हम ऐसी जाएंगे आगे की तरफ, और फिर हम पहुंचेंगे सत्तर के लिए। बीच में एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी आपको दिखाएंगे। शोभी ने मुझे बताई है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि आता रहता है इसका पूरा ननिहाल ददियाल और इसका ससुराल अपकमिंग सब इधर ही होने वाला शायद। और आप लोगों ने कराची का स्टेशन तो देखा होगा, इतना गंदा होता है, और माशाल्लाह ये मुझे बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है आज। ये ऐसे ही होता है, ये साफ़ सुथरा है ये रोड़ी स्टेशन साफ। अभी जो है हमारा व्लॉग जो है ये कराची टू सक्कर था, लेकिन इसके बाद जो हम सक्कर की चीज़ें आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ट्रिप कैसा लगा हमारा, तो बहुत बोर था। और हम आपको दिखाएंगे सक्कर का नेक्स्ट व्लॉग कि हम क्या कर दिया करते हैं। अल्लाह हाफिज़।